हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुक विद एसएम। आज हम बनाएंगे टू टाइप्स ऑफ गुजिया। एक होगी मावा और मावा की गुजिया और दूसरी होगी हमारी चॉकलेट गुजिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, गुजिया बनाने के लिए हमने फ्लोर ले लिया है। 2 कप है हमारा फ्लोर और ये हम इस पर थोड़ा सा 2 पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे। स्पून भर के हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा ना डालें, वरना जब आप बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो फिर गुजिया फ्राई करते वक्त आपकी गुजिया तेल में फटने लगेंगी। तो पहले हम ये अपना ऑयल अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको, जैसे हम अपनी पूड़ी का आटा थोड़ा सा टाइट लगाते हैं ना, तो वैसे ही इसका आटा भी टाइट होगा, बहुत सॉफ्ट आटा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालें, नहीं एक साथ डालेंगे तो वो गीला हो जाएगा। देखिए, हमारा आटा गूंद चुका है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए किनारे रख देंगे और उसके बाद फिर जब हम इसको बनाने लगेंगे तो 2-3 हाथ से थोड़ा सा मसल। ऐसे हम छोटे छोटे से पेड़े ले लेंगे और इनकी छोटी छोटी सी लोइयां बना लेंगे। लोई आप अपने हिसाब से कितना थिक कितना पतला रखना है ये आप खुद कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर लें। जितना बड़ा आपका गुजिया का साँचा है या आप हाथ से बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी लोइयां बनाएं। ऐसे करके हम सारी लोइयां बना लेंगे। अब ये देखिए, ये हमने अपना मावा ले लिया है, उसको भी हम थोड़ा सा भूनेंगे। हम अपनी गुजिया की तेल तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें अपना मावा थोड़ा सा भूनना पड़ता है ताकि इसका पानी अब्जॉर्ब हो जाए, नहीं तो जब आप गुजिया फ्राई करें ना तो फिर उसके अंदर बहुत जूसी जूसी सा हो जाता है, गुजिया फटने भी लग जाती है। तो इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। देखें, हमारी ये जितना हमें भूनना था उतना भून चुकी है, इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। अब इसमें हम अपना खोया हमने भूना था वो ऐड कर देंगे। ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं। ये चिरौंजी है जिसको हम दालचीनी भी बोलते हैं। ये हमने, इसकी कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये काजू है, इसको भी हम डाल देंगे इसमें। और ये थोड़ी सी किशमिश है जिसको हमने बारीक काट लिया है। और इसमें हम 2 टेबल स्पून शुगर भर भर के मिक्स करेंगे। इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बहुत मीठी चाहिए आपको तो थोड़ा आप और मिला लें, लेकिन मुझे लाइट सा टेस्ट जो शुगर का आता है वही पसंद है। ये सारी चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे। हमने 2 टेबल स्पून इसमें शुगर डाला था, 2 टेबल स्पून और जाएगा क्योंकि ड्राई फ्रूट ज़्यादा है तो शुगर का टेस्ट नहीं आ रहा है, यानी कि टोटल 4 टेबल स्पून इसमें शुगर पड़ेगा। ऐसे गोल गोल बना लेंगे और उसके बाद फिर इसको हम बेलेंगे। गोल गोल सा बेलना है, बहुत ज़्यादा गोल नहीं भी हो रही है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो फिर हम अपने कटर में जब रखेंगे तो वो ऑलरेडी शेप में आ जाएगी। और आप ऐसे मार्केट में गुजिया के कटर बहुत अवेलेबल है। वैसे तो ये हाथ से भी बनाई जाती है लेकिन हाथ से बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो फिर इसको हम ऐसे रखेंगे। और इस पे हम अपनी फिलिंग डालेंगे। फिलिंग बहुत ज़्यादा ना डालें क्योंकि बहुत ज़्यादा फिलिंग होती है तो गुजिया फटने का डर होता है, तो बहुत फिलिंग ना डालें। और एक काम आप और करें, क्योंकि गुजिया अक्सर होता है कि तेल में जाने के बाद खुल जाती है, तो ये आप चारों तरफ इसके अच्छे से पानी लगा दें। ठीक है, ये आपने अच्छे से पानी लगाया और ये आपने इसको हटा दिया। और ये हमारी गुजिया तैयार है। ऐसी करके हम सारी अपनी बना लेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे फ्राई करने। देखें, हमारी सारी गुजिया बनके रेडी हो चुकी है, अब इनको फ्राई करेंगे। अब हमारी ड्राई फ्रूट वाली गुजिया तो तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी हमारी चॉकलेट वाली फिलिंग बाकी है। हम लोग तो ड्राई फ्रूट वाला खा लेते हैं, बच्चों को ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद होते हैं, तो कुछ उनके लिए भी स्पेशल होना चाहिए, तो उनके लिए बनेगी चॉकलेट फिलिंग वाली गुजिया। तो ये हमने तकरीबन 100 ग्राम के आसपास चॉकलेट ली है। ये आप अपने हिसाब से क्वान्टिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसमें हम 2 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें हम ऐसे क्रश कर करके बटर ऐड करेंगे
शुगर, ये बटर और ये चॉकलेट हम आपस में ऐसे मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स वाली गुजिया की फिलिंग की थी, वैसे हम अपनी इसकी भी फिलिंग कर लेंगे। बस बहुत ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि ये अभी तेल में जाने के बाद मेल्ट होगा। देखिए तेल हमने चढ़ा दिया था और हमारा तेल हो चुका है। अब इसमें हम वन बाय वन करके अपनी गुजिया डालेंगे। बहुत तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, मीडियम टू हाई फ्लेम हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए हमने अपनी चॉकलेट वाली गुजिया भी डाल दी है फ्राई होने के लिए। देखिए हमारी गुजिया तैयार है, बहुत मज़े की बनती है। इसकी अंदर की फिलिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत टेस्टी होती है, और चॉकलेट फिलिंग की तो क्या कहिए। रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।